सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। गाइज, आज मैं अपने YouTube चैनल पर फर्स्ट Q&A वीडियो ऐड करने जा रहा हूँ और यहाँ पर अपकमिंग संडे जितने भी आ रहे हैं तो इसी तरह की वीडियोस आपको मेरे YouTube चैनल पर मिलेंगी। तो अगर आपका भी YouTube से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में #QnAWithRabshaTech इस टैग के साथ आप यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं अपकमिंग जितने भी संडेज आ रही हैं उनमें आपके क्वेश्चन को ऐड कर लूँगा। सो गाइज, बिना टाइम जाया कि यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइज, यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछे ब्रदर्स फॉर लाइफ, इनके अकाउंट का नाम है सर, कैन यू मेक सेकंड यूट्यूब चैनल बिफोर मोनिटाइजेशन ऑफ फर्स्ट यूट्यूब चैनल। तो भाई बिल्कुल आप क्रिएट कर सकते हो, आप एक के आप दो भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। बट यहाँ पर मोस्टली यूट्यूबर्स एक प्रॉब्लम करते हैं, आपने वो बिल्कुल भी नहीं करनी, कि यहाँ पर जैसे ही सेकंड यूट्यूब चैनल मोनिटाइज होने के लाइक हो जाता है तो वो उसको जब यहाँ पर एडसेंस क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर सेकंड यूट्यूब चैनल के लिए अलग से एडसेंस क्रिएट कर लेते हैं। तो आपने ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं करनी, आपका जो पहले एडसेंस था आपने उसी के साथ सेकंड यूट्यूब चैनल को भी अटैच करना है। अगर आप थर्ड भी बनाओगे तो आपने उसी को यहाँ पर अटैच करना है। सो मोस्टली यूट्यूबर्स क्या करते हैं कि वो अलग से क्रिएट करते हैं, तो भाई यहाँ पर प्रॉब्लम आती है। एक बंदा पूरी लाइफ के लिए एक ही एडसेंस अकाउंट क्रिएट कर सकता है, आप सेकंड नहीं क्रिएट कर सकते। अगर आपको क्रिएट करना है तो आपको फैमिली मेंबर या किसी और बंदे के नाम से आपको क्रिएट करना पड़ेगा। सो आपने ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी यहाँ पर, और आपने जितने भी आपके यूट्यूब चैनल है आपने एक ही एडसेंस के साथ यहाँ पर अटैच करने। अगर आप यहाँ पर सेकंड क्रिएट करोगे तो आपका जो पहला एडसेंस अकाउंट चल रहा होगा उसमें भी प्रॉब्लम बन सकती है, वो भी आपका डिसेबल हो सकता है। ओके गाइस, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन जो है वो हमारा सदीकी ने पूछा है, और इन्होंने कहा कि भाई मैंने एक YouTube चैनल क्रिएट किया है, लेकिन जब मैंने उसको क्रिएट कर लिया तो यहाँ पर मैंने देखा कि YouTube पर ऑलरेडी इस नेम के 3 से 4 YouTube चैनल मौजूद है, तो क्या आने वाले वक्त में मुझे मोनिटाइजेशन की प्रॉब्लम तो नहीं फेस करनी पड़ेगी? तो बहन, ऐसी प्रॉब्लम आपको बिल्कुल कोई भी फेस नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन आपको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है कि जब आपके सब्सक्राइबर ये नाम आपका YouTube चैनल सर्च करेंगे तो यकीनी बात है वो YouTube चैनल भी उनके सामने आएंगे, तो उन्हें ये नहीं समझ आएगी कि आपका YouTube चैनल कौन सा है। तो मेरी एडवाइस आपको यही है कि आपको अपने YouTube चैनल का नाम जब भी यहाँ पर रखना चाहिए तो कोई सा यूनिक नाम होना चाहिए। जिस तरह मैंने अपने YouTube चैनल का नाम रबशा टेक रखा है, तो इसको इसीलिए रखा है कि ये एक यूनिक नाम है, जब भी मेरा सब्सक्राइबर यहाँ पर इसको सर्च करेगा तो टॉप पे मेरे YouTube चैनल का नाम यहाँ पर शो होगा। ओके गाइस, यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन पूछा है मोहम्मद अबूजर, इनका नाम है सर, मैं YouTube की वीडियोस में पिक्चर यूज़ कर सकता हूँ वॉइस के साथ? तो भाई बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन मेरी आपको एडवाइस ये है कि आप इन पिक्चर्स को अच्छे से एडिट करना पहले, और यहाँ पर आप उन पर फिल्टर्स अप्लाई करो और इनको थोड़ा सा क्रॉप कर लो। आपने एज इट इज़ नहीं यूज़ कर लेने के, आपने डाउनलोड किया और उनको यहाँ पर यूज़ कर लिया। और जो आपने वॉइस यूज़ करनी है वो आपकी अपनी होनी चाहिए, यानी कि आपने यहाँ से कंप्यूटर से जनरेट नहीं करनी, और यहाँ पर आपकी यूट्यूब चैनल बिल्कुल मोनिटाइज यहाँ पर हो जाएगा। ओके, यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन जब वो पूछे मोहम्मद जायद, इनका नाम है कि काफ़ी सारे पेजेस यूट्यूब के व्यूज सब्सक्राइबर्स वॉच टाइम सेल कर रहे हैं, तो क्या इनको लेना सेफ है? तो भाई बिल्कुल भी सेफ नहीं है, आपने इन एक्टिविटीज़ में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। यहाँ पर बहुत से हैकर्स बैठे होते हैं जो कि आपके YouTube चैनल को हैक कर लेंगे। सो मेरी एडवाइस ये है कि आप मेहनत करो अच्छे से, यहाँ पर आप रियल व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स गेन करो। यहाँ पर अगर कोई वेबसाइट देती भी है तो यहाँ पर क्या होता है, वो इनएक्टिव यहाँ पर सब्सक्राइबर्स होते हैं जो कि आपके व्यूज़ तो बिल्कुल भी नहीं लाएंगे, और जो व्यूज़ आएंगे आपके वो बिल्कुल यहाँ पर YouTube उनको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा और आपका YouTube चैनल मोनिटाइज नहीं होगा। आपने इनएक्टिविटीज़ में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अभी मीना एडिट्स अकाउंट, यहाँ पर इन्होंने पूछा क्वेश्चन सर, YouTube म्यूजिक लाइब्रेरी की जो साउंड हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं अपनी वीडियोस के बैकग्राउंड में? तो आप बिल्कुल इनको यूज़ कर सकते हो, ये तो खुद हमें YouTube ने एक प्लेटफॉर्म ऑडियोज़ के लिए प्रोवाइड की है। अब इनको जब चाहे अपनी वीडियोज़ में यहाँ पर इनको यूज़ कर सकते हो और आपका YouTube चैनल मोनिटाइज भी हो जाएगा। ओके गाइस, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अनलिमिटेड हिंदी सॉन्ग, इनके YouTube चैनल का नाम है सर, मेरा म्यूज़िक चैनल है क्या ये मोनिटाइज होगा? तो भाई ये डिपेंड करता है कि आप म्यूज़िक कौन सा ऐड कर रहे हो। अगर YouTube पर जो बॉलीवुड का सॉन्ग यहाँ पर पड़े हैं, अगर आप उनको उठाकर अपने YouTube चैनल पर ऐड कर रहे हो तो आपका YouTube चैनल मोनिटाइज नहीं होने वाला। अगर आप अपना क्रिएट कर रहे हो और आप उनकी वीडियोस ऐड कर रहे हो तो आपका YouTube चैनल मोनिटाइज होगा। लेकिन अगर आपकी वीडियोस अपनी हैं लेकिन आप बीच में जो है बॉलीवुड का म्यूज़िक ऐड कर रहे हो और आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आप ऐड भी कर रहे हो, यहाँ पर आप बता रहे हो कि भाई ये मैंने म्यूज़िक ऐड किया, आप उनको क्रेडिट दे रहे हो, तो भाई आपका YouTube चैनल तभी मोनिटाइज हो सकता है। लेकिन अगर आप वीडियोस भी यहाँ पर कॉपीराइटेड उठा रहे हो, यानी कि आपकी अपनी नहीं है, ओनर कोई और है, और आप ऑडियो भी उठा रहे हो, तो आपका YouTube चैनल मोनिटाइज नहीं होने वाला। ओके गाइस, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है स्पार्क गेमर, इनके YouTube चैनल का नाम है स्क्रीन रिकॉर्डर, एक बताओ जो इंटरनल साउंड प्लस बेस्ट क्वालिटी वीडियो देता हो एंड्रॉयड के लिए। तो भाई DU रिकॉर्डर बहुत अच्छा स्क्रीन रिकॉर्डर है, मैं खुद उसको पर्सनली यूज़ कर चुका हूँ, और यहाँ पर इसकी वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी है, इंटरनल साउंड भी बेहतर है। लेकिन अगर आप एक्सटर्नल माइक यूज़ करोगे तो आप यहाँ पर एक्सटर्नल सोर्स यूज़ करो ऑडियो के लिए। आप जिस तरह सेकंड मोबाइल है आप इसको यूज़ करो, ऑडियो आप इससे रिकॉर्ड करो, वीडियो आप स्क्रीन रिकॉर्डर से यूज़ करो, तभी यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि एक्सटर्नल माइक, क्योंकि यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डर जितने भी होते हैं वो एक्सटर्नल माइक यहाँ पर सपोर्ट नहीं करते। ओके गाइस, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे संतोष गेकर, इनका नाम है
सर मैं अपना चैनल का नाम यूट्यूब पर सर्च कर रहा हूँ लेकिन मेरा यूट्यूब चैनल डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो भाई यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बताया कि आपका यूट्यूब चैनल का नाम यहाँ पर यूनिक होना चाहिए तभी सर्च में आएगा। और सेकंड यहाँ पर एक और चीज़, आपने तीन काम करने हैं जो कि यूट्यूब चैनल को सर्च इंजन में लाते हैं, तो उसके लिए मैंने एक ऑलरेडी यूट्यूब वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने डिटेल में बताया कि आपका यूट्यूब चैनल आपको सर्च इंजन में कैसे लाना है। तो उसका लिंक जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो आपने जाकर मस्त देखनी है, तो आपका इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपका यूट्यूब चैनल सर्च में आ जाएगा। ओके गाइस, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछा, वो ऑर्गेनिक गार्डनिंग इनके यूट्यूब चैनल का नाम है और इन्होंने कहा कि भाई कोई अच्छा सा पीसी स्क्रीन रिकॉर्डर बता दो, उसमें वाटरमार्क भी ना हो और उसकी वीडियो क्वालिटी भी अच्छी हो। तो भाई मैंने एक ऑलरेडी पीसी स्क्रीन रिकॉर्डर पर वीडियो बना रखी है, उसमें वाटरमार्क भी नहीं है और उसकी वीडियो क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, मैंने खुद ही उसको यूज़ किया है और उसकी यहाँ पर मैंने एक्सटर्नल माइक सेटिंग भी बताई है। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो वीडियो आप जाकर देख लो। ओके गाइस, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे, मिस्टर रहमान एक्सपेरिमेंट इनके यूट्यूब चैनल का नाम है, भाई अगर हमारा वॉच टाइम एक साल में कंप्लीट नहीं हुआ तो क्या हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं होगा? भाई आपने यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा और मोस्टली यूट्यूबर्स को इसका आंसर भी नहीं पता होता, लेकिन इसका आंसर मैं आपको डिटेल में कल की वीडियो में दे दूंगा क्योंकि इसका आंसर एक दो लाइन में नहीं बनता। सो गाइस आज की वीडियो यहाँ पर ही ऐड करते हैं। अगर आपका भी यूट्यूब से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं नेक्स्ट जो Q&A वीडियो आएगी उसमें आपके क्वेश्चंस को ऐड कर लूँगा। सो गाइस वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे आने वाले इसी तरह की यूट्यूब वीडियोज़ आपको मिलती रहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।